नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी क्वेरी आई थी कि जो सीड्स हैं जनवरी में हम कौन से लगाएं, कौन सी सब्जियां हम जो है गर्मियों में लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं, और मैंने जब मैं लाइव आया था तब मैंने आपको बताया भी था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और आज का जो मेरी वीडियो है वो यही है कि क्या हमें जनवरी में सीड्स लगाने चाहिए, और अगर लगाएं तो कैसे लगाएं, और इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो सर्दियों की जो सब्जियां होती है उनका जो टाइम होता है ग्रो करने का वो अक्टूबर नवंबर लास्ट होता है, तब तक आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ठंड तेज़ हो जाती है, तो उसमें क्या है, जो सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। धनिया, मेथी, पालक जो है ये पूरा टाइम चलती है, यानी कि दिसंबर तक भी आप ग्रो कर सकते हैं और जनवरी तक भी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके मौसम के ऊपर कि मौसम कैसा है। जैसे कि इस बार आप देख रहे हैं कि जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जो है आपको जनवरी में ग्रो करने चाहिए, और क्यों ग्रो करने चाहिए, और कैसे ग्रो करने चाहिए, यानी कि आप अगर नॉर्मल ग्रो करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे पास कुछ सीड्स हैं, इनके अंदर क्या है, ये पुराने हैं, तो इनके अंदर कुछ ही सीड्स बचे हुए हैं। मैंने अभी जो नए सीड्स है वो बाय नहीं किए हैं। अगर आप नए सीड्स बाय करना चाहते हैं तो अपने नज़दीक के किसी सीड्स की शॉप पर जाइए, वहाँ पर इस तरह के कुछ पैकेट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो कॉम्बो पैक लीजिए, कॉम्बो पैक में बेनिफिट ही होगा। मैंने कल परसों ही जो है अमेजोन पे एक देखा था, उसे में 200-250 रुपए में 35 वैरायटी की जो सब्जियां हैं वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह का कॉम्बो पैक लीजिए ताकि आपको सारी सब्जियां एक जगह ही मिल जाए। अगर आपको सीड्स बाय करने हैं तो वहां से कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा वहां से। तो वो आई थिंक 200-250 रुपए के लगभग आपको 30-35 वैरायटी जो है सीड्स की मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे पास कौन से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जो टमाटर है वो आप जनवरी में अब ग्रो कर सकते हैं, जनवरी से लेकर आप फरवरी मार्च तक इसको ग्रो कर सकते हैं। मेथी जो है, मेथी का जो मेन टाइम जो है वो जा चुका है, यानी कि मेथी सर्दियों की सब्जी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सी सब्जी सिर्फ सर्दियों तक चलेगी। तो जो मेथी है ये सिर्फ आपकी सर्दी तक चलेगी, सर्दी के बाद नहीं चलेगी, और जो टमाटर है ये आपका गर्मियों तक चलेगा। आगे जो ब्रिंजल है, जो लंबे वाले हैं और जो गोल वाले हैं, ये सभी जो है इनके जो सीड्स है वो भी आप जनवरी में लगा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए, कैसे लगाने, वो मैं ये सारा बताने के बाद आपको ये बताऊंगा कैसे लगाने हैं। अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो आपके जो सीड्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले मैं आपको सिर्फ नाम बताता हूँ कौन कौन से जनवरी में लगाने चाहिए, और जो सर्दियों के हैं और कौन से गर्मियों के हैं। तो ये जो ब्रिंजल है ये भी हम टमाटर वाली साइड में रखें, क्योंकि ये आपके गर्मियों तक चलेंगे काफ़ी टाइम तक। और ये जुगनी है, ये जैसे कि आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम भी लगाया था, ये ग्रीन कलर की आती है, गोल्डन कलर की आती है, जैसे जो कोला होता है जिसको हम पेठाई बोलते हैं, वो उसी की प्रजाति है, उसी जैसा ये होता है, ये लंबा होता है। तो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं जनवरी के अंदर। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, तरबूज आप ग्रो कर सकें। ये तरबूज जो है वो देसी है, जो गोल है, और एक दूसरी जो वैरायटी आती है ग्रीन कलर की जिसमें लाइनिंग सी होती है, वो आप ग्रो कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, हमने जो येलो तरबूज मैंने आपको दिखाया था, जो अंदर से पीला रंग का निकला था, उसके कुछ सीड्स मैंने रखे थे। मैं देखूंगा, अगर वो सीड्स मुझे मिल गए तो मैं वो सीड्स भी लगाऊंगा। तो इसको भी आप जनवरी में लगा सकते हैं तरबूज को। खरबूजा भी 2-3 वैरायटी का आते हैं, तो ये खरबूजा है देसी, और एक आता है जिसके अंदर ये जो लाइनिंग सी आपको दिख रही है ये नहीं होती, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये ब्रिंजली है, जो गोल वाले हैं इनको भी हम लगा सकते हैं। देखिए, ब्रोकली जो है, ब्रोकली का टाइम जा चुका, हमें पहले इसको लगा देना चाहिए था, अब भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि तेज़ ठंड हो गई है तो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो इसको हम इस साइड रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में ये नहीं चलेगी, तो इसको सिर्फ सर्दी तक आप ग्रो कर सकते हैं। ये मटर है, मटर को भी आप पहले लगाते तो अच्छा होता, क्योंकि मार्च तक जो है मटर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, इनका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब तक ये फूटिंग देने पर आएंगे तब तक आपका जो टाइम है वो हो चुका होगा, तो आई थिंक इसको ग्रो करना ठीक नहीं है जनवरी के अंदर। ओरिएंटल क्ले मार्च के एंड तक ये भी चलती है, मैंने लास्ट टाइम ग्रो की थी। ये टिंडा है, टिंडे को वैसे हमें पहले लगाना चाहिए था, लेकिन गर्मियों के लिए जो टिंडा आता है जिसको चप्पन टिंडा बोलते हैं या चप्पल कंदू बोलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। वो कैसे होते हैं, ये जैसे गोल हैं वो चपटे से होते हैं, इसलिए इसको चप्पल टिंडा बोलते हैं यहाँ पे। तो जो ये सीड्स हैं मेरे पास इस साइड, ये हम लगा सकते हैं जनवरी में। और ये क्या है, ये आपको सिर्फ सर्दियों तक ट्राई करने हैं, अगर आप करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, लेकिन ये सर्दी तक चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। तो इनको अब एक बार हम साइड में कर देते हैं, और ये सीड्स जो है आप ग्रो कर सकते हैं। और भी बहुत से सीड्स हैं जो मेरे पास नहीं है, जो कि आप जनवरी में ग्रो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो मुझे याद है। देखिए, भिंडी, भिंडी आप लगा सकते हैं, ग्वार आप लगा सकते हैं, ककड़ी, एक खीरा, घिया, तोरू, कद्दू, गोल घिया,
ये सारी सब्जियां जो है वो आप जनवरी में लगा सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको जनवरी में ग्रो कैसे करनी है और क्यों करनी है। देखिए सबसे पहली बात, आपके पास अगर पॉली हाउस है या आप कुछ लगाना चाहते हैं तो एक छोटा पॉली हाउस आपको बनाना पड़ेगा। उसके अंदर अगर आप इन सीड्स को लगाएंगे जनवरी के अंदर, फिर तो है अच्छा, फिर तो ठीक है, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको डायरेक्ट अपने खेत में लगा देते हैं या अपने पॉट में लगा देते हैं खुले में, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या तो जनवरी के एंड में लगाइए या फरवरी के फर्स्ट वीक में आप इनको लगा दीजिए। उसमें क्या होगा, जो मौसम है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा दिन के अंदर जो है धूप वगैरह निकलेगी तो उससे आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों की सब्जी हैं। अगर आप जनवरी में ही इनको लगा देते हैं, जैसे कि आपने ब्रिंजल की पौध लगा दी और तेज़ पाला गिर गया, यानी तेज़ बर्फबारी सी हो गई, तो आपकी जो ब्रिंजल की जो पौध है वो ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास पॉली हाउस है या पॉली हाउस के जैसा छोटा एक पॉली हाउस बना के उसके अंदर ग्रो करते हैं, तो उससे आपका जो प्लांट्स है वो ख़राब नहीं होगी, जर्मिनेट भी हो जाएंगे क्योंकि गर्मैश रहेगी। तो पॉली हाउस के अंदर या आप कवर करके इनको ग्रो कर सकते हैं जनवरी के अंदर, और तेज़ पाले से बचाएंगे तो ये ग्रो करेंगे। अगर आप इनको खुला लगाएंगे तो जनवरी के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जनवरी के लास्ट में या फरवरी में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली में जी जितने भी सीड्स आपको बताएंगे गर्मियों के ही सीड्स हैं। जनवरी में लगाने का मतलब यही होता है कि जो अगेती खेती की जाती है, जैसे कि मेरे यहाँ पड़ोस में क्या है, एक बार किसी ने खेती की थी तो उन्होंने क्या ऐसे ही लगाए थे, यानी कि जनवरी में उन्होंने सीड्स लगा दिए, लेकिन उन्होंने क्या है पॉलीथीन से उनको कवर कर दिया था ताकि जो तेज ठंड पड़ती है उससे जर्मिनेशन जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो बस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है। मैं कोई भी सीड जो है इनमें से अभी ग्रो नहीं कर रहा, अगर मैं ग्रो करूंगा तो इनमें से एक तो तरबूज जो है वो मैं ट्राई कर सकता हूं कि मैं पहले से तरबूज के कुछ सीड्स जो है वो पॉली हाउस के अंदर लगा दूं, ताकि जब सीड्स जैसे फरवरी आएगी इनके प्लांट्स निकाल निकाल कर मैं वहाँ फिट कर दूंगा। इस बार जितने भी सब्जियां हैं मैं ट्राई करूँ कि हम छत पर लगा सकें। हाँ, ये आप अपने जो कलेक्शन है जो सीड्स वगैरह वो कलेक्ट कर लीजिए, अपने नज़दीकी सीड्स की शॉप पर जाइए, वहाँ से अपने सीड्स वगैरह ले आइए। ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, मैंने जो लिंक है वो नीचे दे दिया है, जिसमें कॉम्बो पैक है, सारे सीड्स आपको एक ही पैकेट में मिल जाएंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ये भी बताइएगा कि आपकी तरफ ठंड कितनी है, कितना टेम्परेचर है। दिल्ली में आई थिंक कल 1.5 था जो कि बहुत कम है, 18 साल का रिकॉर्ड कल न्यूज़ में मैंने देखा, 18 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है इस बार, यानी कि बहुत तेज़ ठंड है। तो इतनी ठंड में सीड्स जर्मिनेट होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं और जो दिल्ली के आसपास है उनको बताते हैं कि अभी इतनी जल्दबाजी ना करें सीड्स लगाने में, अदरवाइज़ आपके सीड्स ख़राब होंगे, आपके पैसे ख़राब होंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।